में जुटी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दूसरे दिन भी यूनिवर्सिटी कैंपस में कुछ छात्रों से पूछताछ की। इस मामले में एक दिन पहले जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष समेत 3 छात्रों से पूछताछ की गई, जबकि दूसरे दिन क्राइम ब्रांच ने 2 छात्रों को पूछताछ के लिए बुलाया। इस दौरान पहले की तरह जेएनयू के बाहर पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान तैनात रहे, ताकि किसी भी तरह के हंगामे को तुरंत रोका जा सके। जेएनयू हिंसा मामले की जांच के लिए क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने कैंपस के अंदर ही एडमिन ब्लॉक में अपना दफ्तर बनाया है। एक दिन पहले ही सोमवार से ये पूछताछ शुरू हुई थी, जिसमें आयशी घोष जो प्रेसिडेंट है जेएनयू की, और उसके साथ ही 2 और छात्रों के साथ पूछताछ हुई थी। जिन 2 छात्रों को दूसरे दिन क्राइम ब्रांच ने हिंसा मामले में पूछताछ के लिए बुलाया, उन्होंने 5 जनवरी की घटना में अपनी भूमिका होने से इनकार कर दिया। अगर मैं आज इधर आपके साथ बात कर रही हूँ, कोई मेरा फोटो खींच के बोले कि मैं वायलेंस पे हूँ, तो ये नहीं हो सकता। मेरे साथ 2 दोस्त और थे, उनको बोला कि यहाँ पे झगड़ा हो रहा है, निकल जाते हैं हम लोग हॉस्टल। तो फिर हम लोग वहाँ से निकल गए।